नमस्कार साथियों, मित्रों। भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में गीता महाभारत होनी चाहिए। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, बसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आओ जानते हैं कि कौन किनका अवतार था। हम दूसरे एपिसोड में आपके पास आने वाले हैं।